नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आतंकवाद, भिखारी, कंगाल, भिखमंगा, झूठा, ये सारे उपनाम पड़ोसी देश पाकिस्तान के हैं, जो हर बात पर सिर्फ रोता है। कभी भारत के कश्मीर से 370 हटाए जाने पर खामखा रोता है, तो कभी कश्मीर पर फैलाए जा रहे झूठ को दुनिया के तमाम देशों से नकारे जाने पर रोता है। झूठ और आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका पाकिस्तान अब श्रीलंका क्रिकेट टीम के पाकिस्तान न जाने पर रो रहा है। हद तो तब हो गई जब इसके लिए भी वो भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। श्रीलंकाई खिलाड़ियों का पाकिस्तान जाने से इनकार, बौखलाया पाकिस्तान फिर रोने लगा दहाड़े मार, फसादे फवाद ने फिर किया भारत पर वार। आतंकवाद की खेती करोगे, दूसरे देश में आतंकवाद फैलाओगे, इसके बावजूद अगर उम्मीद करोगे कि दुनिया पाकिस्तान आएगी, फिर से एक बार क्रिकेट होगा, तो ये महज दिन में सपने देखने जैसा ही होगा। और इमरान सरकार के मंत्री फजादे फवाद यानी फवाद चौधरी आजकल दिन में ही सपने देख रहे हैं कि श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान आएगी, मैच खेलेगी। लेकिन श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें क्रिकेट से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। आतंकी हमले के डर से श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान जाने से मना किया, तो पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने इसे भारत की साजिश बता दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि खेल कमेंटेटर्स ने मुझे बताया है कि भारत ने श्रीलंका के खिलाड़ियों को धमकी दी कि यदि वो पाकिस्तान जाने से इनकार नहीं करते हैं तो उन्हें आईपीएल से बाहर कर दिया जाएगा। ये वास्तव में सस्ती रणनीति है। खेल से लेकर अंतरिक्ष तक के लिए कट्टर राष्ट्रवाद कुछ ऐसा है जिसकी हमें आलोचना करनी चाहिए। भारत के खेल अधिकारियों का ओछा रवैया। फवाद चौधरी ने श्रीलंकाई टीम के पाकिस्तान न जाने पर मनगढ़ंत कहानी तो गढ़ दी, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरह से साल 2009 में पाकिस्तान गई श्रीलंकाई टीम पर आतंकवादी हमला हुआ था। 3 मार्च को लिबर्टी चौक पर हुए इस हमले में 8 पाकिस्तानी मारे गए थे, जबकि श्रीलंका टीम के स्टाफ समेत 7 खिलाड़ी जख्मी हुए थे। इस घटना के बाद से ही सभी टीमों ने पाकिस्तान दौरे का बॉयकॉट कर दिया था। दिग्गज खिलाड़ियों का पाक जाने से इनकार। श्रीलंका टीम को 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक पाकिस्तान में 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है, लेकिन दौरे से पहले ही सोमवार को श्रीलंका के 10 खिलाड़ियों ने पाक दौरे से अपना नाम वापस ले लिया। श्रीलंका की वनडे टीम के कप्तान दिमुद करुणारत्ने, टी20 कप्तान लसिथ मलिंगा, पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज, निरोशन डिकवेला, कुशल परेरा, धनंजय डिसिल्वा, अकेला धनंजय, सुरंगा लखमल, थिसारा परेरा और दिनेश चंडीमल ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान दौरे से अपना नाम वापस ले लिया है।